गुड मॉर्निंग गाइस, जय जिनेन सभी को। आप लोग का स्वागत है नेहा के ब्लॉग में। तो आज सोमवार है और आज से स्कूल कॉलेज सभी कुछ खुल चुकी है, हॉलीडे छुट्टी बीत गई है। अब बैक टू पवेलियन, अब अपने ड्यूटी पे हो जाइए रेडी। तो चलिए, अभी सुबह के 6 बज गया और मैं उठ गई हूँ। वंश सोया हुआ, अब जाती हूँ, उठाती हूँ। और मम्मी भी आ गई है, मैं वीडियो बनाना कल भूल गई थी। तो चलिए अब हम लोग स्कूल के लिए रेडी होते। तो सबसे पहले हम लोग फ्रेश होंगे, ब्रश करेंगे, उसके बाद अपने लिए गर्मा गर्म चाय बनाऊँगी। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे मंदिर का लाइट जलाएंगे, मंदिर खोलेंगे और भगवान जी से आशीर्वाद लेंगे कि आज का दिन हम लोग का बहुत अच्छा जाए। आप लोग भी सभी कोई आशीर्वाद ले लीजिए। ये देख लीजिए बाहर का नज़ारा, एकदम पीस शांति, बहुत अच्छा लगता है। सुबह का वाइब्स बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस यहाँ पे मैं फ्रेश हो गई हूँ, अब ब्रश कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्रश कर लिया, मैं किचन में आ गई हूँ, चाय बनाऊँगी। चाय के बिना तो दिन की शुरुआत ही नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग ये प्लेटफॉर्म पूरा पोंछ लेंगे, किचन का गैस वैस पोंछ लेंगे, फिर हम लोग अपना चाय चढ़ाएंगे। इस तरीके से हम लोग रोज ये पट्टी पोंछते हैं, इसलिए पोंछते हैं गाइस क्योंकि रात भर में चिपकली कीड़ा मकोड़ा कुछ भी यहाँ पे होगा तो वो सब साफ हो जाएगा। तो मैंने सफाई करके चाय के लिए पानी चढ़ा दिया है। अब इसमें मैं लौंग का पाउडर डालूंगी, स्वाद अनुसार शुगर और चाय पत्ती। गाइस अब यहाँ पे मैंने दूध भी चढ़ा दिया है, वंश को दूध हॉर्लिक्स दूंगी। अब गाइस ठंडा आ गया है ना, तो अब हर चीज़ पे ऐसे बर्फ जम जाएगा, आप लोग को दिख रहा होगा बर्फ जमा हुआ। तो चलिए दूध गर्म होता है, यहाँ पे गाइस दूध गर्म हो गया है, अब इसमें हॉर्लिक्स मिला लूँगी। तो गाइस यहाँ पे चाय भी रेडी हो गई है, तो चलिए हम अपने चाय एंजॉय करके आप लोग से मिलते हैं। यहाँ पे मम्मी को भी चाय दे दिया है और मम्मी आ गई, आप लोग मिल लीजिए। बहुत दिन के बाद मम्मी को देख रहे होंगे आप लोग। और ये रहा मेरा मिठू राम, जो अभी मम्मी इसको उठाकर टांगेगी। मिठू ये देखिए गाइस, मिठू अभी सबको गाइस ये मिठू गुड मॉर्निंग बोला। मिठू बोलो गुड मॉर्निंग। चलिए गाइस मैं अपने बाबू को उठाती हूँ, लेट हो रहा आज। और आज है ना उसको स्कूल नहीं जाना गाइस, आज कुछ कारण की वजह से उन लोग का ऑनलाइन क्लास है, इसी के लिए वो निश्चिंत होकर आराम से सोया हुआ है। ऑनलाइन क्लास है उसका 7:30 बजे से। तो चलिए वर्ष ये ना गाइस देखिए कितना क्यूट लग रहा है वंश। तो गाइस देखिए मेरा बाबू उठ गया है। तो चलिए अब इसे उठाती हूँ, फ्रेश करवाती हूँ, ब्रश करवा के हॉर्लिक्स दूध ये पिएगा, तब उसके बाद रेडी होकर आप लोग से हम लोग मिलते हैं, है ना वंश। तो गाइस यहाँ पे नहाकर वंश भी आ गया और मैं भी यहाँ पे नहाकर आ गई हूँ। तब चलिए हम लोग अपना स्कूल ड्रेस पहनते हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे हम लोग स्कूल यूनिफॉर्म पहन लिए हैं। ये रहा वंश रेडी हो गया है। जय जिनेन्द्र, आप लोग को सभी को जय जिनेन्द्र करा। और मैं भी अपना स्कूल यूनिफॉर्म पहन ली हूँ। तो अभी हम वंश और मैं दोनों जन पूजा करने जाएंगे। तो वंश ऑलवेज की तरह अभी सूरज भगवान को जल देगा, है ना वंश, क्या करोगे तुम बताओ अभी? सूरज भगवान को जल दूंगा। तो अपना लो जल का लोटा लो। यहाँ पे मम्मी मेरी प्रिपेयर कर रही है हम लोग के लिए जूस, हेल्दी जूस, है ना माँ? तो आप लोग को अगर ये रेसिपी चाहिए जूस की तो आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा, तो मैं मम्मी से वो कहकर आप लोग को इसकी रेसिपी दूंगी। ये जूस हम और मम्मी मतलब महीना में 2-3 बार पी लेते हैं, वो काफी है हम लोग के लिए। और चलिए फिर वंश को जल दिलवाती हूँ। सूरज भगवान को जल देते हुए वंश आप लोग भी दर्शन कर लीजिए सूरज भगवान का, देखिए दिख रहा है ना, देखिए जय सूरज देवता की जय।
कितना सुंदर वाइब आ रहा है। तो चलिए गाइज, मैं अभी हेयर डू करके पूजा करके आप लोग से मिलती हूँ। यहाँ पे जूस मेरा रेडी हो गया तो मैं जूस पी रही हूँ, और यहाँ पे वंश का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है, टाइम हो गया तो वंश बैठ गया है ऑनलाइन क्लास के लिए, तो मैं इसका टैब में ज्वाइन करके दूंगी। तो चलिए हम लोग, मैं ये जूस इंजॉय करती हूँ पी के, और फिर मैं बताती हूँ आगे हम लोग क्या करते हैं। तो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ, बस अब निकल रही हूँ मास्क पहन कर, और मेरा बैग भी रेडी हो गया है। आज मुझे गाइस थोड़ा सा लेट हो गया है, फर्स्ट डे है वंश को ऑनलाइन क्लास करवाने के चक्कर में। तो यहाँ पे स्कूटी है मेरी, तो चलिए हम लोग स्कूल जाकर आप लोग से मिलते हैं। गाइस मैं स्कूल पहुँच गई हूँ, तो चलिए आप लोग से मिलते हैं। तो गाइस मैं स्कूल पहुँच गई थी, आप लोगों को पता है मुझे लेट हो गया था। स्कूल पहुँच के मैंने ब्लैक बोर्ड मेंटेन कर दिया है, कितने बच्चे आए हैं। तो चलिए एक बार बस आप लोग को अपने बच्चे से मिलवाती हूँ, और फिर मैं अपना क्लास स्टार्ट कर। तो ये रहे मेरे बच्चे, तो चलिए अब मैं आप लोग को क्लास ओवर के बाद मिलूंगी। तो गाइज अब क्लास ओवर हो रहा है, 12:15 बज रहा है, 12 बजे बच्चों की छुट्टी हो जाती है, मास का भी क्लास ले लिया। गाइज यहाँ पे डिस्पर्सल टाइम हो गया है, आधे बच्चे जा चुके हैं वैन वाले, और अब जो वॉकर स्टूडेंट हैं वो लोग बचे हुए हैं, तो उनके पेरेंट्स आ रहे हैं, तब वो जाएंगे, तब हम लोग की आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो गाइज मैं पहुंच गई हूँ घर स्कूल से, अभी 2:10 हो रहे हैं, तो घर आ गई हूँ। तो आज का अभी तक का दिन का सफ़र मेरा ऐसे ही रहता है। तो देखते हैं घर पे मम्मी ने क्या खाना बनाया और बापू मम्मी क्या कर रहे हैं। तो मम्मी ने गेट खोल दिया है, हाँ मम्मी देख रही है। और देखिए मेरे को पता था कि वंश का यही काम हो रहा होगा, वो जब मैं नहीं रहती हूँ घर पे तो वो 24 घंटा वो टीवी सिर्फ चला कर देखता है। तो चलिए गाइज अब मैं फ्रेश अप होती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ, फिर खाना खाकर आप लोग से मिलती हूँ। यहाँ पे मैं फ्रेश हो गई हूँ, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, अब चलिए मम्मी ने क्या खाने में बनाया है मम्मी से पूछते हैं। तो मम्मी आज का खाना क्या क्या है बताओ? दाल चावल। मम्मी ने आलू पालक की सब्जी बनाई है, और मूली पत्ता की सब्जी बनाई है, दाल है तोरू की सब्जी, और ये तोरू की सब्जी जिसको हम लोग झिंगी भी कहते हैं, और चावल है, चावल में, और रोटी रोटी है, और बेसन की भी रोटी है। तो गाइस बताइए आप लोग क्या खाएंगे, और आप लोग के घरों में क्या क्या बना है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग के घर में लंच में क्या बनता है। ज्यादातर सभी के घरों में लंच में दाल चावल आलू का भुजिया चोखा आलू की सब्जी यही बनती होगी ऑलमोस्ट। तो चलिए मैं अपना लंच एंजॉय करती हूँ, और इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करती हूँ क्योंकि काफी लंबा हो गया है ब्लॉग। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट शेयर और लाइक जरूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तक तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, और खूब सारा प्यार बांटिएगा। बाय बाय।